हेलो बच्चे लोग, की हाल चाल। आई होप सब लोग बहुत अच्छे हो गए, बहुत ही अच्छे से आपके पेपर गए होंगे, बहुत अच्छे से आपने उसको किया होगा और बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, रिजल्ट अच्छा ही आया होगा। तो आज मैं लेके आई हूँ एक और नई चीज है जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल। मेरा मतलब है कि ये चाहे 11th का बच्चा हो, चाहे 12th का हो, चाहे 10th का हो, चाहे IIT का हो, चाहे नीट का हो, चाहे किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हो जिसको केमिस्ट्री से रिलेटेड होगा, उसके लिए वीडियो बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। तो आपने एक डायलॉग तो सुना है ना, गजब बेइज्जती है यार। तो ये गजब बेइज्जती जो है, ये डायलॉग कहाँ से आया है, वी डोंट नो। एक्चुअली पंचायत से आई, पंचायत एक वेब सीरीज है जिसमें ये लिया गया था, काफी अच्छी है। ये डायलॉग तो बहुत फेमस हुआ है, लेकिन ये डायलॉग कहाँ से है, किस मूवी से है, किस कैरेक्टर ने प्ले किया, वी डोंट नो। ठीक है, इसी तरह से बच्चे केमिकल रिएक्शन जो होती है, हमें नाम मालूम होता है केमिकल रिएक्शन का, बट उस केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट क्या है, उसका प्रोडक्ट क्या है, यानी कि वो रिएक्शन चारों तरफ हमारे घूमती रहती है, उसकी काफी चीजें हमें मालूम होती हैं, बट फिर भी हम उसका रिएक्टेड और उसका करेक्ट करेक्ट प्रोडक्ट नहीं बना पाते हैं। तो इसी चीज को याद करने के लिए, ये गजब बेइज्जती को बचाने के लिए, तो यहां पर हम लोग आपको, मैं जो हूं आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स बताऊंगी जो कि आपके लिए काफी हद तक जो है बेनिफिशियल हो, काफी हेल्पफुल रहे। ठीक है, तो चाहे आप IIT की तैयारी कर रहे हो, चाहे किसी कॉम्पिटेटिव लेवल की तैयारी कर रहे हो एग्जाम की, और एक बात है, 10th खत्म हो गया है तो बिल्कुल फ्री रहने की जरूरत नहीं। अब आपका प्रेशर जो है वो और हाई हो रहा है। ठीक है, रिजल्ट तक का वेट मत करिए, क्योंकि बच्चा अब जो कंपटीशन है वो बिल्कुल स्टार्ट हो गया है। सो यू हैव टू प्रिपेयर ना योर सेल्फ फॉर द जो भी फ्यूचर है आपका, बहुत ही हाई लेवल का है कंपटीशन। तो आप 11th 12th की आप तैयारी करते जाइए। ठीक है, तो अब यहां पर मैं बात करती हूं कि कैसे आप किसी भी नेम रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन को कैसे मेमोराइज करेंगे, कैसा ऐसा काम करेंगे, कैसे इसको तैयारी करेंगे कि ये बिल्कुल आपके मुंह जबानी रट जाए दिमाग में। रटने की बात है, समझने की भी बात है, देखते हैं क्या है। पहली चीज, जब भी कोई रिएक्शन आपको टीचर बता रहा है, आपका कोई भी जो सब्जेक्ट टीचर आपको बता रहा है या कोई भी केमिकल रिएक्शन बता रहा है, तो घर आकर सबसे पहले तो आप एक काम करिएगा कि पेपर एंड पेन जो है अपने पास रखिए। अब आप लोग कहेंगे, मैम पेन और पेपर तो जिंदगी भर हम लोग साथ ही में लेके घूमते हैं, लेकिन उससे बहुत कुछ हो सकता है। अब क्या हो सकता है, ये जो पेन और पेपर है, आप दूसरी बात अगर इसकी करी जाए, तो पहली बात, आपको जब भी कोई रिएक्शन बताई गई है तो किसी भी पेपर पर उस नेम रिएक्शन को आप लिखोगे। ठीक है ना, राइट करोगे, लिखोगे। ठीक है ना, केमिकल रिएक्शन। ठीक है ना, उस केमिकल रिएक्शन को लिखने के बाद आप उसको कई बार देखिए, मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि मेहनत बिना किया कुछ नहीं हासिल होने वाला। तो आप उसको कई बार लिखिए। लिखने से क्या होता है, बार बार वो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं वो आपके दिमाग में स्टोर हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैंने क्या किया, मैंने एक अंधेरा कर दिया। ठीक है, या मैंने जैसे मैं बात कर रही हूँ या कुछ सोच रही हूँ, लेकिन अगर जैसे मुझसे किसी ने तुरंत उसी वक्त कहा है कि तान्या नाम लिखो अपना, तो मैं कुछ सोच भी नहीं हूँ, बट वो अपने आप ही तान्या सही लिख जाएगा अपने आप। या फॉर एग्जाम्पल, मेरे साथ ऐसा हुआ कि कभी कभी कुछ सोचते हुए स्कूटी चला रही हूँ, ठीक है, और स्कूटी चलाते चलाते मुझे टर्न लेना है, मुझे मालूम भी नहीं था कि मैं टर्न ले रही हूँ, मुझे दिख भी नहीं रहा था सामने, मतलब कुछ ख्यालों में, लेकिन कोई आया, मेरी गाड़ी अपने आप ही मैंने घुमा दी, टर्न जो आया मैंने अपने आप घुमा दिया। तो मतलब ऐसा करिएगा नहीं, ऐसे मत चलाइएगा, मैं एक बात बता रही हूं। तो कहने का मतलब है कि हमारे मसल्स में भी एक कैपेसिटी होती है कि वो चीजों को मेमोराइज कर लेता है। तो अगर आप, जैसे आपसे कभी भी बोला, कभी भी आप बिजी हो, कुछ भी कर रहे हो, मैंने कहा नाम लिखो अपना, तो तुरंत तुम लोग क्या करोगे, नाम बिल्कुल करेक्ट लिखोगे, सही लिखोगे। क्यों? क्योंकि वो प्रैक्टिस में है आपके, आपके प्रैक्टिस में होने होते होते आपके मसल्स में जो आपका हाथ है वो खुद ही उस चीज को लिख देगा। क्यों? क्योंकि वो आपके ब्रेन में, आपके मसल्स में क्या है, मेमोरी की तरह स्टोर है। तो याद रखिएगा, जो मसल्स होती हैं वो भी क्या करती हैं, मसल्स जो है मेमोरीज को क्या करती हैं, स्टोर करती हैं। ठीक है ना, तो हमें उसी को प्रैक्टिस करना है। तो केमिकल रिएक्शन को आप इतना प्रैक्टिस कर लीजिए कि आप कहीं भी किसी भी ख्याल में है, आप जो लिख रहे हैं रिएक्शन वो बिल्कुल सही हो, बट उसके लिए बेटा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है ना, तो बिल्कुल ये तैयारी करिए।
अब जो है जितने भी नेम रिएक्शंस हैं वो मैं पढ़ाऊंगी, ये आपके 11th के लिए है, ये आपके 12th के लिए है, और इसके साथ ही साथ आपके जो भी नीट IIT और जो भी कॉम्पिटेटिव लेवल के एग्जाम्स हैं उनके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। तो एक बार जो भी रिएक्शन आपको बताई जाए उसको पेपर पे आप लिख लीजिए, पेन पेपर पे उसको कई बार प्रैक्टिस करिए, उस चीज को समझ तो लेते हो बट फिर भी गलत हो जाता है, वो इतना स्ट्रांग बना लीजिए कि वो आपके लिए काफी हद तक हेल्पफुल हो जाए। तो अब अगर इस तरह से करेंगे, आई होप ये आपके लिए काफी हेल्पफुल रही हो वीडियो। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जो कि बिल्कुल नई बिल्कुल अलग क्लास होगी। क्या होगी? इट्स अ सरप्राइज फॉर यू। ओके, सो टेक केयर, बाय बाय।